बुलिष्ठ पार्श्वनाथ भगवान की जय। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की जय। प्रतिपल प्रतिक्षण स्मरणीय आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। प्रभु तुलक श्री उद्यम सागर जी महाराज की जय। समस्त तुलक जी महाराजों की जय। समन्वय सागर जी महाराज की जय। उन्हीं संघ की जय। आप सब मराठी लोग महाराष्ट्रीयन है, कुछ लोग यहाँ बुंदेलखंड के भी हैं, सुबह आए हैं, बता रहे थे कि वो बुंदेलखंड से आए हैं। और हमारे 15 महाराज जी में 14 महाराज जी तो बुंदेलखंड से नाता रखते हैं और एक महाराज जी आपके महाराष्ट्र के भी हैं। कितने स्वार्थी लोग हैं आप। चौदह का नाम लिया तो किसने तारीफ में जाएगा और एक महाराज जी नाम तारीफ में जाएगा। हम सभी लोग दो तीन दिन से देख रहे हैं अमरावती वालों का, तो कुछ आगम सागर जी और समता सागर जी महाराज जी को याद करते आ रहे हैं कि वहाँ यहाँ पर दोनों मुनिराजों के बहुत सारे संस्कार हैं। उन्होंने घर घर जाकर के धर्म की अलग जगाई है। उसी का परिणाम है कि आज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और साधु संतों के लिए आगवानी करने के लिए, उनकी भैया वृत्ति सेवा करने के लिए आप लोग आतुर हैं। ऐसे परिणाम एक आचार्य माटी में लगा है कि संतों के पास जाने से कोई संत भले ही न बने पर संतोष ही अवश्य बन जाता है। तो लगता है कि हमें लगता है कि आप लोगों को संतोष प्राप्त हो चुका होगा। संतोष किन चीज़ों से प्राप्त हो गया है? बाहरी चीज़ों से, बाहरी विषय कसाय जो है उनसे तो संतोष आपने पा लिया है, पर संतों से आप संतोष मत पा लेना। संतोष पाने का मतलब यह है कि जो संत आपको मिल गए उनको पाने के बाद संतोष मत रख लेना, उनका विहार होने के बाद नए संत की आगवानी पर से खड़े हो जाना। अभी आचार्य आपके एरिया में आए, महाराष्ट्र में आए हैं, 50 साल के वर्षा काल में मुझे लगता है प्रथम बार इस तरफ आए थे। दूसरी बार आए, पहले एक आध बार कभी आए होंगे। रामटेक तो आते रहते हैं, मतलब चंद्रमाश हो गया, रामटेक आ चुके, पर सिरपुर वगैरह कारण जिस तरफ जहाँ तक हमें ध्यान है पहली बार ही आए, चातुर्माश पहली बार ही हुआ है। तो अभी आपका खाता खुल गया है, शुरुआत हो गई है, अब निरंतर संघों का आगमन इस तरफ होने को चालू हो गया है। पूज्य सागर जी महाराज जी का विहार हुआ, पूज्य वीर सागर जी निकले, फिर बाद में निष्प्रय सागर जी महाराज जी आए। इस तरह से अब पुनः लगता है आचार्य कृष्ण यहाँ पर आने वाले हैं। देर कर दी यहाँ भेजने। तो मेरा केवल इतना कहना है कि आचार्य वर्तमान के सर्वश्रेष्ठ सबसे ज्येष्ठ आचार्य हैं, उनके जैसे साधु वर्तमान में कोई भी नहीं है। तो प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक कल्याण के इच्छुक व्यक्ति को अपने जीवन में कोई ना कोई एक नियम उनसे जरूर लेना चाहिए। सबके कोई ना कोई गुरु होते हैं, पर जब तक धरती पर विद्यासागर विराजमान है, आचार्य विद्यासागर जी विराजमान है, तो हमें उनका गुरुत्व जरूर स्वीकार करना चाहिए। किस तरह से गुरुत्व स्वीकार कर सकते हैं, किस तरह से हम शिष्य स्वीकार कर सकते हैं उनका? कोई मुनि बन सकता है, कोई आर्या बन सकता है, कोई चुल्लक चुल्लिका बन सकते हैं, कोई प्रतिमा ले सकते हैं। इतना भी कोई नहीं कर पाते, कम से कम एक छोटा छोटा सा नियम तो हम ले सकते हैं। रात्रि भोजन का त्याग कर सकते हैं, आलू प्याज का त्याग कर सकते हैं, फास्ट फूड का त्याग कर सकते हैं। कुछ भी हम त्याग करेंगे और उनको अपने मन मंदिर में अपने हृदय में बैठाएंगे तो हमारे गुरु बन जाएंगे। जो आपके गुरु ही रहने दो, पर कम से कम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी को अपना गुरु जरूर मान लीजिए। घर में हमारी दुकान में कम से कम उनकी एक फोटो जरूर होना चाहिए, जिनकी फोटो आपको लगाना लगाओ। पर जो सर्वश्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं और तीर्थंकर जैसे जिनकी चर्या है, तीर्थंकर जैसा क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो तीर्थंकर भगवान की माता को जन्म के पहले 16 सपने आते हैं। उसी तरीके से जब आचार्य श्री घर में आए थे विद्याधर के वेश में, पीलू के वेश में, तो उनकी माता जी को भी, श्रीमती माता जी को 3 स्वप्न आए थे। इससे क्या प्रभावित होता है कि आचार्य श्री भी तीर्थंकर जैसे ही हैं और जैसा उनका वैभव हम देखते आ रहे हैं, आप सब लोग देखते आ रहे हैं। यहाँ तो प्रथम बार आचार्य श्री का आगमन हुआ है, पर बुंदेलखंड में हम लोग देखते हैं जहाँ वो निकल जाते हैं जंगल में मंगल हो जाता है। तो ऐसे आचार्य भगवान, उनका अनुशासन, उनकी चर्या, उनका जीवन, जब कुंडलपुर से उनका विहार हुआ था सबको पता है किस तरह से उनको विहार करना पड़ा था। जब उनका वो विहार हुआ था सारा बुंदेलखंड, सारा संत समाज, सारे उनके शिष्य रो ही रहे थे, अंदर से रो रहे थे, बाहर से रो रहे थे कि पता नहीं अब क्या होगा। पर वही आचार्य श्री जिन्होंने कुंडलपुर से इतना कठिन परिस्थितियों में विहार किया और रैली आने के बाद आपके अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का जैसे 650 किलोमीटर पैदल, कौन सोच सकता था कि जो आचार्य श्री सबसे पहले थे और आज जैसे विहार कर रहे हैं। और उन्होंने फिर से कहा कि अब मैं फिर से पहले जैसा ही चलूंगा, यानी कि फिर से वापस लग रहा है अमरकंटक चंद्र जी कहाँ जा रहे पता नहीं,
जहां भी जा रहा है कंटिन्यू निरंतर उनका विहार चल रहा है, और 500-600 किलोमीटर आए थे, 500-600 किलोमीटर फिर से जाने वाले हैं। तो ऐसे महान आचार्य जी के युग में हमने जन्म लिया है, महावीर भगवान मिले नहीं हमें, आदिनाथ भगवान मिले नहीं हमें, आचार्य कुंतकुंत समर्थ स्वामी मिले नहीं हमें, आचार्य शांति सागर जी नहीं मिले, वीर सागर जी नहीं मिले, शिव सागर जी नहीं मिले, ज्ञान सागर जी नहीं मिले। कुछ बुजुर्गों को शायद मिल भी गया ज्ञान सागर जी महाराज, पर हमें विद्या सागर जी मिल गए हैं, और लगता नहीं कि शायद आने वाले समय में उनके जैसे महान संत और कोई हो सकते हैं। शायद बहुत संत होंगे, अभी भी संत हैं, पर लगता नहीं कि आचार्य जैसे चर्या वाले उनके जैसे महान संत और भी हो सकते हैं। इसलिए हम सब एक न एक नियम जरूर उनसे लें, और उनकी प्रतिमा को अपने मन मंदिर में, अपने हृदय में, अपने घर में जरूर विराजमान करें। बोलिए अनंतानंद परमेश्वर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर शिक्षक विद्यासागर जी महाराज की जय।